अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज आई हूँ फैमिली के साथ शॉपिंग करने, तो मेरी फैमिली ने कुछ चीज़ें लेनी थी। हम आए हैं आज़म मार्केट। सबसे पहले हमने जायनमाज मंगवाए हैं और ये ब्राउन कलर में है, बहुत ही खूबसूरत जायनमाज है। और दूसरा वाला जो है वो ग्रे कलर में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो ये दो जायनमाज हम कर लेते हैं। और मुझे अपने लिए भी जायनमाज लेना था, तो मैंने जो है यही ग्रे कलर में, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सेम ऐसा ही ग्रे जायनमाज करवाई। दो मेरी सिस्टर ने लिए, ये हमने करवा लिए हैं पैक। और एक ब्लैक कलर में जायनमाज है, बहुत 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 खूबसूरत है माशाल्लाह। लेकिन पता नहीं, कहते हैं ब्लैक कलर में जायनमाज नहीं लेना चाहिए। अब आई डोंट नो, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये है मेरा जायनमाज, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तो इस शॉप से हमने लिए हैं तीन जायनमाज, ब्लैंकेट और बेडशीट। और जायनमाज तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, इतने खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग वैसे भी लेट आए थे इस मार्केट में, काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके बाद हमने साथ ही शॉप पे ड्रेसेस अवेलेबल थे, वहाँ पे हम मैंने ये सूट निकलवाया है जो कि प्रिंटेड दुपट्टा है। आजकल इसका फैशन बहुत ज़्यादा इन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी। मैं पहली दफ़ा आई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर रेट भी बहुत बहुत कम है, मतलब ब्रांड की तरह फिक्स प्राइजेज नहीं है। आई थिंक ये वाला ड्रेस 3500 में है। फिर एक ये ग्रीन कलर में है पिंक कम्बिनेशन के साथ, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये 3750 रुपीज़ में है। एक सी ग्रीन कलर में है, इसके ऊपर इतना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। मुझे वैसे मैं इस तरह के थ्री पीस या मतलब ड्रेसेस नहीं पहनती मैरिड लड़कियों के लिए, ये अच्छे लगते हैं मैरिड गर्ल्स पे। तो मैं तो वैसे नहीं इस तरह के पहनती, बट घर वालों के साथ आई हूँ तो उन्होंने कुछ ड्रेसेस गिफ्ट करने थे, तो हमने इनमें से कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट किए हैं। ये है इसका दुपट्टा, पूरा जाल वाला काम हुआ हुआ है। एक ये लाइट स्काई ब्लू कलर में ड्रेस है, जिसपे धागे का बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वर्क हुआ हुआ है। और अभी देख रहे हैं, मतलब मैं स्टफ और चीज़ें देख रही हूँ। ये इसका दुपट्टा है और एक वाइट कलर में है, सितारे और धागे वाला काम हुआ हुआ है। तो मैं मामा को सजेशन दे रही हूँ साथ साथ के, मतलब ये नहीं ये ले लें। तो मामा और मैं देख रहे हैं, मामा मुझे कह रही हैं कि देख के बताओ। तो ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब सितारे और मतलब पार्टी वेयर भी हो जाता है, मतलब वेडिंग पे भी या किसी दावत पे भी पहन सकते हो आप, कैजुअली भी आप वेयर कर सकते हो। इस शॉप से ड्रेस लेने के बाद हम आए हैं ये मर्दाना सूट मामा ने लेने हैं, तो ये लेने आए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो शॉप्स ऑलमोस्ट क्लोज हो रही हैं, तो लेकिन उन्होंने हमारे लिए सीट्स लगाई हैं। तो ये दो तीन सूट्स मामा ने निकलवा के देखे हैं। ये एक वाइट में मामा और मैं देख रहे हैं, ये सब सूट जो है किसी को देने के लिए देने हैं, तो देख रहे हैं अच्छे वाला कौन सा है इनमें। ये वाइट वाला बहुत प्यारा और ग्रेसफुल लग रहा है। इस शॉप से किए हैं हमने मर्दाना सूट। इसके बाद इसके साथ ही शॉप है जहाँ पे लेडीज़ सूट्स बहुत ही प्यारे हैं। अभी जो है टाइम हो रहा है 8:40, तो बहुत सी शॉप्स जो हैं यहाँ पे क्लोज़ हो रही हैं, बहुत जल्दी बंद हो रही है यह मार्केट। तो अभी हम इस शॉप पे बैठे हैं और यहाँ पे बस यहीं से ड्रेसेस कुछ लेंगे और फाइनल करेंगे, फिर हम घर जाएंगे। तो देखते हैं हमें इस शॉप पे कौन से डिज़ाइंस और कौन कौन से ड्रेसेस जो है पसंद आते हैं। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इस पे काम भी बहुत प्यारा हुआ हुआ है। और अब जो है बाकी ड्रेसेस देख लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास पहले ही बहुत कम है। एक ये वाइट में देख रहे हैं, वाइट बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका दुपट्टा भी सिंपल है और जो शर्ट है ना उस पे शीशे वाली जो है ना, शीशे वाले बीट्स लगे हुए हैं। तो ये मैं देख रही हूँ मोतियों के साथ और शीशे लगे हुए डिज़ाइंस में, तो ये भी प्यारा लग रहा है। एक ये कर लेते हैं और बाकी देखते हैं, इसका बॉर्डर भी बना हुआ है, तो एक ये कर लेते हैं। एक जो है ये वाइट में कर लिया है और दूसरा वाला जो है वो मैंने ऑफ वाइट में निकलवाया है, और ये ऑफ वाइट भी अच्छा लग रहा है। एक ये वाला कर लेते हैं, इस पे भी फुल शर्ट पे काम हुआ हुआ है, मोती लगे हुए हैं और बॉर्डर भी है, बॉर्डर पूरा बना हुआ है, इतना खूबसूरत बॉर्डर लग रहा है ये देखें। फिर मैंने ब्लू में सूट निकलवाया है, ब्लू और ऑरेंज कंट्रास्ट में। तो ये हमने सूट करने हैं चार पाँच या छः, तो देखते हैं कितने सूट करते हैं। एक सेकंड, एक ये कर लेते हैं और बाकी भी देखते हैं।
इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ऑरेंज, ये देखें ऑर्गेन्जा में बना हुआ है ये दुपट्टा, और इस दुपट्टे पे फुल काम हुआ हुआ है। तो एक ये सूट कर लिया है, और बाकी जो हमने सूट किए हैं मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। ये देखें, एक दो तीन पिंक कलर में है, दो एक वाइट में है, तीन ये हो गए, और बाकी जो हैं हमने एक डिज़ाइन में तीन से चार ड्रेसेस किए हैं, जो कि एक ये मेहरून कलर में है, दूसरा मेहंदी ग्रीन कलर में है, एक ब्लू सा नेवी ब्लू सा कलर है, फिर एक स्काई ब्लू कलर है। ये हमने चार सूट ये किए हैं, और तीन जो है वो हमने एक वाइट में है, एक लाइट पिंक कलर में है, और एक जो पर्पल पिंक कलर होता है। तो ये तीन भी जो है हमने पैक करवा लिए ये वाले। इसके बाद जो है मुझे मिल गई है एक शॉप ओपन, और वहाँ पे मैंने जल्दी से साड़ी निकलवा ली है कि मामा जो है मामा से डांटना पड़े। ये मैंने साड़ी निकलवाई है, सिल्क में है और बहुत खूबसूरत इसके बॉर्डर पे काम हुआ हुआ है, और साड़ी के दरमियान में भी स्टोन स्टोन वाला काम हुआ हुआ है, बीट्स लगे हुए हैं। और ये है इसकी चोली, बहुत खूबसूरत मतलब काम हुआ हुआ है गले पे, और बाजू भी हैं, बाजू पे भी फुल स्लीव रखो तो बाजू पे काम आएगा। मेरा तो दिल आ गया इस ब्लैक साड़ी पे, तो ब्लैक कलर किसको नहीं पसंद। तो ये देखिए कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है ना। अब आई डोंट नो ये हैंडमेड है या मशीन का। मैंने और भी साड़ियाँ निकलवाई हैं, एक ब्लैक गोल्डन में है, नेट पे काम हुआ है, बट ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई। तो देख रही हूँ अभी इसका डिज़ाइन ना, फुल काम हुआ हुआ है, तो ये भी खूबसूरत है, लेकिन जो वो वाली मुझे डिसेंट लगी है ना, उफ। और ये एक नेट में निकलवाई है, बट ये बहुत ओल्ड फैशन होगी, ये हर किसी ने पहनी भी है। तो ये भी कोई ये कितने की है, 15,000 समथिंग की ये नेट वाली। तो ये मुझे इतनी कोई पसंद नहीं आई, मैं देख रही हूँ अभी के लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अभी तो सिस्टर की चीज़ें लेनी है ना, तो लेकिन ये जो ब्लैक वाली है ना, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया। अभी मैं और साड़ियाँ निकलवा रही हूँ, इसमें मेहरून है, मेहरून कलर सिल्क में, ये देखिए डबल शेडेड है, इस पर भी सारा काम हुआ हुआ है, कॉर्नर पे सारा सेम है। तो मेहरून भी अच्छी लग रही है और ब्लैक भी अच्छी लग रही है, बट ब्लैक ब्लैक है। ये जो मेहरून है ना, इसके गले पे भी सेम ऐसे काम हुआ जैसे ब्लैक वाली पे। तो हमने जो है अभी मेरून कलर में साड़ी निकलवाई है, और इस पे बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है, इसके कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो है वो मोतियों के साथ जो है काम हुआ हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है, क्योंकि ये डबल शेडेड है, और मतलब सिंगल शेड नहीं है, डबल शेड दे रही है। तो मुझे तो यही पसंद आई है, ये कर लेते हैं। और बाकी ये देखिए इसके गले पे भी बहुत प्यारा काम हुआ है। अभी फिर मैंने एक सी ग्रीन कलर में मुझे शॉप वाले ने निकाल के दिखाई है साड़ी, ये भी खूबसूरत लग रही है, और लेकिन मुझे नहीं पसंद आई। और इसके नीचे जो है ये ग्रीन कलर का जो ड्रेस है, ये तो मैंने पहली नज़र में फाइनल कर लिया है मामा के लिए, और बहुत खूबसूरत गले पर काम हुआ हुआ है, और पूरी शर्ट पर काम हुआ हुआ है। ये वेलवेट है, वेलवेट के ऊपर काम हुआ हुआ है, ये देखें बॉर्डर पे भी काम है सारा। तो मुझे तो ये सूट बहुत खूबसूरत लगा है, इसको भी हमने करवा लिया। बाकी शॉप वाला जो है और भी ड्रेसेस दिखा रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। एक ये पिंक में दिखा रहा है, तो ये भी खूबसूरत है, ये मारिया बी के आर्टिकल है। अब आई डोंट नो ये ओरिजिनल है या कॉपी है, अब मुझे इतना नहीं आइडिया। तो ये अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये कॉपी है या ओरिजिनल है। ये आई थिंक ये भी 15,000 में टू पीस है, ये पिंक में है, एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत हुई हुई थी, बहुत नीट। और ये भी इसने दिखाया, ये भी मारिया बी का आर्टिकल है। फिर एक ब्लैक में दिखा रहा है ये, और ये भी मारिया बी का आर्टिकल है, ये भी खूबसूरत लग रहा था। मैं तो इतनी शलवार कमीज़ें, मुझे क्या इतने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पसंद नहीं है, बट देख रही थी। सो ये देखे हैं मैंने, बट ये इनमें से नहीं करना मुझे कुछ भी। तो फाइनली मैंने साड़ी की है, मामा का सूट किया है, तो ये हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। बट इतने ज़्यादा शॉपिंग बैग्स हो गए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग, तो सब कुछ हो गया है ऑलमोस्ट। आज की तो जो चीज़ें थी वो उसमें से काफ़ी कुछ जो है हम लोग ने बाय कर लिया है। तो अब हम जाएंगे घर की तरफ, लेकिन शॉपिंग बैग बहुत ज़्यादा हो गया, अब निकलते हैं घर की जाने। और
चलते हैं यहाँ से। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, बहुत ज़्यादा। ये देखें रश भी हो गया मार्केट में, शॉप्स बंद हो रही है, तो मुझे अब बहुत ज़्यादा लग रही है भूख, तो कुछ खा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, तो कहीं बीमार ही ना हो जो सो भूख बहुत लगी है, कुछ खाना तो पड़ेगा ही। कोई शॉप देखती हूँ फिर चल के वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं क्या खा रही हूँ। अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं और पैदल ही जाना पड़ रहा है बाय वॉक, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए क्या मिलेगा। फाइनली मुझे एक शॉप मिल गई थी और खाना ऑर्डर कर लिया है और ये आपके सामने पड़ा है। मैंने सोचा क्यों ना नान कबाब ऑर्डर किए जाएँ, तो फिर मैंने जो है, मुझे इतनी भूख लग रही थी, आई थिंक नान कबाब बेस्ट थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये ऑर्डर किया मैं खा लूँ। सो गाइज़ आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।